हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी सही होंगे। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो कमाल का होने वाला है। एक यूट्यूबर है, एक छोटा सा बच्चा है, बट एक्चुअली में उनका जो है एडसेंस का इशू है। वो दिल्ली में ही रहते हैं और मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, तो ऐसे में उनका जो इशू है वो निकालना बहुत जरूरी था। तो उनके पापा और मम्मी मेरे से मिलना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मिलते हैं। तो वो यहाँ पे आ चुके हैं, अब मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो एक्चुअली में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुके हैं हरमन। आपका नाम? हरमन। और चैनल का नाम? हरमन व्लॉग्स। हरमन, मेरे साथ जो है शिवम भाई भी आ चुके हैं, और भाई हरमन की मम्मी भी आई है। देखो कितनी दूर से आई है। हाँ मैम, कैसे हो? काफी दूर से मिलने के लिए है। हाँ जी सर, हरमन का बहुत मन था आपसे मिलने का, मन हम लोगों को ले आया आपसे मिलवाने के लिए। अच्छा अच्छा, तो इनका जो है इशू मैंने देख लिया है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि इनका 2 से 3 दिन के अंदर इनका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। पर सबसे खुशी की बात मुझे ये लगी कि जो मम्मी पापा जो है ना, इस तरह से आप इसके लिए अभी से मतलब इतने केयरफुल हो, बिल्कुल ये कमाल की बात लगी। अपने बच्चे को तो हर कोई ये बोलता है अरे कुछ नहीं है यूट्यूब में, बट आपने अभी से इतने सक्रिय हो चुके अपने बच्चे के लिए, ये काफी अच्छी बात है। इसका अपना पैशन है टुवर्ड्स दी यूट्यूब, और मे बी इसका लाइक चाहता है ये कुछ करने के लिए इस फील्ड में, सो वी हैव नेवर स्टॉप्ड हिम डूइंग ऑल दिस। इसका गेमिंग चैनल भी है सर, तो हम मना नहीं करते, खेलता है पबजी भी। अच्छा अच्छा, तो गेमिंग चैनल का नाम क्या है? गाड़ी 07। कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? 1000 प्लस। तो डरना किस बात का, थोड़ा हंस के बोलो 1000 प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इंटरव्यू लूंगा जिससे कि थोड़ा बच्चा जो है ना मोटिवेट होके जाए। और जनरली मैं यही करता हूँ, खासकर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट मैंने सोचा मगर आज हरमन के साथ वीडियो जरूर हो जाए। ठीक है, तो हरमन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूँ, आंसर देने के लिए रेडी हो? मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी एज क्या है? 12 इयर्स। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। कितने मार्क्स आए थे पिछले क्लास में? ऐसे तो याद नहीं। याद नहीं है? कितने परसेंटेज आए थे? ये भी याद नहीं। ये भी याद नहीं है? 98%। 98%, इसका मतलब आप पढ़ाकू बंदे हो। हाँ। कितने घंटे स्टडी करते हो? जब वीडियो नहीं बनती तो इतने टाइम पे स्कूल का होमवर्क करता हूँ और स्टडी करता हूँ। गोलगप्पे कितनी मतलब डेली खाते हो या 2 दिन बाद? वैसे मुझे गोलगप्पे पसंद ज्यादा है नहीं। है नहीं? नहीं। तो इतना वेट जो बढ़ता जा रहा है किस रीजन से? वैसे गोलगप्पे के अलावा और भी चीजें हैं। अच्छा, खाने अच्छा, के लिए अच्छा ज्यादा फ्राइड खाता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हरमन भाई, जिस चीज के लिए आप आए हो उसकी चिंता मत छोड़ देना, वो आपका इश्यू दूर हो जाएगा, और उम्मीद है 3 से 4 दिन के बाद हो जाएगा। और हरमन जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनके पापा मम्मी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बच्चे की, और मुझे खुशी हुई है इनसे मिलके। एक मिनट सर, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं। अरे वाह यार, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। वेरी 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 थैंक यू। खोलना पड़ेगा? यस। तो फिर माइक आपको पकड़ना पड़ेगा। हां बिल्कुल। देखते हैं भाई हरमन क्या लेके आया है। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेरी वेरी नाइस। वेलकम रियली। ये देखो भाई, बच्चे भी और मैं भी अच्छे से खाएंगे। हाँ। और आपको भी खाना है तो खा सकते हो। वेरी वेरी थैंक यू सो मच हरमन, रियली रियली थैंक यू। वेलकम सर। तो अभी के लिए हरमन की जो है मम्मी जुड़ चुकी है, तो इनसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे। मैम, आपका बच्चा पढ़ता भी है, सिर्फ ओनली टू ओनली यूट्यूब ही चलाता है? नहीं सर, पढ़ता है, लाइक इसके टाइमिंग्स हम लोगों ने बांधे हुए हैं कि पूरा टाइम आपको यूट्यूब पे ही नहीं देना, एंड पहले अपना स्कूल का सारा काम ख़त्म करो, लर्निंग पार्ट है, होमवर्क है, वॉट एवर इट इज़। सो जब ख़त्म करता है देन ओनली आफ्टर दैट इसको हम व्लॉगिंग के लिए जाना है बाहर, तो कभी कभी हम कंपनी कर देते हैं जाने के लिए, अदरवाइज घर पे जो भी बनना है। सो टाइम सारा सेट किया हुआ है सर। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आप चाहे चैनल चलाओ, चाहे आप स्टडी करो, चाहे आप वर्कआउट करो, वर्किंग करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दूसरा क्वेश्चन है कि इसको कहाँ से पता चला कि मुझे यूट्यूब चैनल जो है ओपन करना है और उसके बाद अर्निंग करनी है? सर ये तो हमें भी नहीं पता, लाइक ही वॉज आज से 2-3 साल पहले ये अपने आप ही कुछ ना कुछ साइकिल चला रहा है, तो उसका व्लॉग बना के डाल रहा है, और चैनल का नाम शायद क्रिकेट हरमन था, तो हम बोलते थे ये तू क्या करता रहता है, खुद गाने बना बना के डालता रहता था उस पर। तो उस टाइम तो आई डोंट थिंक सो इसको पता भी होगा कि अर्निंग भी होती होगी इससे,
बट ही वॉज लाइक कि मुझे बस करना है और मम्मी मुझे बना बना के वीडियोज डालनी है. तो मुझे लगता था बेचारा छोटा है, खुद अकेले कर रहा है. तो कभी कभी मैं कैमरा पकड़ लेती थी इसके कहने पे. तो कहने का बात है जो मम्मी है वो कैमरा मैन भी है और एडिटर भी है शायद. और मैं खुद करता हूँ एडिटिंग ये खुद. अच्छा, और थंबनेल कौन बनाता है? मैं वो खुद करता हूँ. हरमन भाई मतलब मम्मी को दिखा देता हूँ ये है थंबनेल और वो कह देती है ठीक है. तो ठीक है, तो ठीक है. मुझे लग रहा है कि आपका चैनल बहुत जल्दी तोड़ेगा. तो मुझे कब रख रहे हो अपने चैनल पे? मतलब अपने चैनल के लिए काम करने के लिए कब रख रहे हो? सर का तो बड़प्पन है हरमन. ये आपका चैनल सर मेरे से ज्यादा ग्रो है. अच्छा, तो क्या हुआ सर, तुझे कब? आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली मैंने इनका चैनल चेक किया, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं. दोस्तों इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वेरी है या कुछ पूछना है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना. आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हरमन भाई के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना. एक बार चैनल पर जाके जरूर देखना कि काम कैसा कर रहा है. क्यों बिल्कुल जाना एक बार जरूर चाहिए. बोल दो फिर अपने क्या बोलना है. इंट्रो. ओके, थैंक यू सो मच भाई. टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. के लिए बाय, लव यू गाइस, बाय बाय.